तरीके का दिखेगा, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही स्मेल बहुत, तो वो हमने डाल दिया था। उसके बाद हमने उसके ऊपर फिर से जो प्याज हमने भून कर रखा था गर्म कर रख दो गैस पर। उसके बाद आप उसके अंदर घी भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी रही तो। घी डालोगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, तो आप घी डालिएगा ज़रूर, वो भी देसी घी डालने के। हमारा जो बिरयानी है वो बनकर रेडी हो चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल केसवी रीता व्लॉग। तो केसवी रीता व्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज बनाने वाले हैं दम बिरयानी, जो कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो सबसे पहले हम बना के लेंगे मसाले। तो उस वो बनाने के लिए हमें चाहिए हरा धनिया, उसके बाद हमें चाहिए अदरक, ज़ीरा, लहसुन और प्याज। इसे एक मिक्सी में इस तरीके से मिक्स कर लेना है आपको। उसके बाद और थोड़े से प्याज हम इस तरीके से कट करके रखेंगे। उसके बाद हमें चाहिए फ्रेश दही, मटन मसाला और लाल मिर्च पाउडर। और जो हमने मिक्सी में मिक्स करके रखा था जो मसाला, और हमें वो मसाला चाहिए, और उस सभी मसाले को हम चिकन को इस तरीके से मेल्ट करके रख देंगे। कुछ देर तक मेल्ट करके रख देंगे, तब तक हम बना लेंगे ग्रेवी। किस तरीके से बनाना है तो चलिए ग्रेवी बनाना स्टार्ट करते हैं अभी। तो ग्रेवी बनाने के पहले हमें चाहिए बहुत तरीके के मसाले, उसके बाद जीरा, उसके बाद हमें एक गैस ऑन करके कढ़ाई पे तेल गरम करने देना है, बहुत सारा तेल देना है गरम करने, क्योंकि हमें प्याज को उसके अंदर थोड़ा सा भून लेना है, मतलब थोड़ा कलर देना है प्याज को। तो हम अभी प्याज तेल गरम होने के बाद हमने उसमें प्याज डाल दिया है। अभी प्याज को थोड़ी देर के लिए गरम होने देंगे। गरम होते ही मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके कैसे दिखेगा। तो उसे आपको 10-5 मिनट बाद आपको हिलाते रहना है, जिससे वो ना जले और थोड़ा रेडिश जैसा हो। ज़्यादा रेडिश नहीं चाहिए, कम रेडिश दिखना चाहिए, वो एकदम थोड़ा गोल्डन टाइप दिखना चाहिए। इस तरीके से आपको उसे भून लेना है। तो अभी हमारा जो प्याज था वो भून कर रेडी हो चुका है, तो इस तरीके का दिखेगा, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही स्मेल बहुत अच्छी आएगी उसकी। उसके बाद हमने जो जिस तेल में से प्याज को निकाला था उसी तेल में हम लोग जीरा डालेंगे गरम कर उसे उसके अंदर जीरा डाल के उसे थोड़ी देर गरम करने देंगे। उसके बाद हमने जो मसाले भिगो कर रखे थे उन मसालों को हम डाल देंगे, तेज़पत्ता, जीरे, इलायची, लौंग, काला मिर्च, अग वगैरह हम डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे जो हरा चटनी था वो। आपको हरा चटनी जब आप लोग ये चिकन में लगाते हो तो थोड़ा सा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा रख देना है जो कि आपको सब्ज़ी में डालनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बना लेना है। उसके बाद हम उसमें डालेंगे हल्दी, फिर उसके अंदर हम डालेंगे नमक और उसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और आपको उसे एकदम धीरे धीरे हिलाते रहना है जब तक वो पूरा मिक्स ना हो जाए। इस तरीके से आप उसे हिलाते रहिए। जैसे मिक्स हो जाए हम उसमें डालेंगे मसालों से मेल्ट किया हुआ चिकन। इस तरीके से हम पूरा डाल देंगे उसके अंदर और उसे थोड़ी देर तक हिलाते रहेंगे। फिर उसे हिलाने हम उसके अंदर डाल देंगे पानी। इस तरीके से आपको पानी डाल देना है एकदम, और उसे थोड़ी देर के लिए पकाने छोड़ देना है। उसे थोड़ी देर हिलाने के बाद उसे हम एक चीज़ से, किसी भी चीज़ से आप ढककर रख सकते हो। तो हमने यहाँ पर थाली का इस्तेमाल किया है जिससे हम ढककर रख रहे हैं। थोड़ी देर पकने देने के बाद हम उसके ऊपर से वो थाली हटा लेंगे। लो अभी हमारा तैयार हो चुका है ग्रेवी। उसके बाद हम ग्रेवी को उसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से डालने के बाद आपको उसके ऊपर आप लोग भात डाल दीजिएगा। आपके घर का भी चावल होगा तो भी चलेगा, अगर आप ख़रीदा हुआ चावल भी दे रहे हैं जैसे कि बासमती राइस वगैरह तो वो भी चलेगा। तो हमने घर का चावल यूज़ किया है। तो हमने ग्रेवी डालने के बाद ऊपर से चावल को इस तरीके से हमने चारों तरफ फैला कर रख दिया है। उसके ऊपर हमने डाल दिया है फिर से ग्रेवीज। इस तरीके से आपको चारों तरफ से एकदम मेल्ट होने जैसे डाल देना है ग्रेवी। आपके कम से कम 3 लेयर बनने चाहिए, 2-3 लेयर ग्रेवी के 3 लेयर बनने चाहिए। तो हमने ग्रेवी डालने के बाद उसके ऊपर से जो प्याज भून के रखा था उसे हमने डाल दिया है। उसके बाद हमने उसके सेकेंड लेयर देने के बाद हमने उसके ऊपर थोड़े कलर डाल दिए जो कि हमारे पास थे घर पे खाने वाला कलर।
तो वो हमने डाल दिया था। उसके बाद हमने उसके ऊपर फिर से जो प्याज हमने भून कर रखा था वो हमने उसे एकदम मसल के डाल दिया उसके ऊपर से, चारों तरफ से उसे एकदम मसल कर डालना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से डालने के बाद हम उसे तवे पर गरम करने रख दें। प्याज डालने के बाद हमने उसके ऊपर से मिर्च रख दी। आप लोगों को जैसा तीखा खाना है वैसा आप खा सकते हो, इसीलिए हमने इस तरीके से सारी मिर्चियाँ ऊपर से रख दिया था। उसके बाद हम इसे इस तरीके से डेकोरेशन करने के बाद हम उसे रख देंगे तवे पर गरम करने। तो तवा सबसे पहले आप गरम करने रख दो गैस पर। उसके बाद आप उसके अंदर घी भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी रही तो। घी डालोगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा, तो आप घी डालिएगा ज़रूर, वो भी देसी घी। डालने के बाद उसे आप तवे पर ढककर रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए। टाइम देखकर रखिएगा कि आधा घंटा हुआ है नहीं करे। तो अभी हमारा जो बिरयानी है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इस तरीके का कुछ दिखेगा आप लोगों को बिरयानी। तो बिरयानी बहुत ही गर्म था, गर्म गर्म बिरयानी हम अभी सर्व कर देंगे। नाउ अभी हमारा जो बिरयानी है वो बनकर रेडी हो चुका है और हमने एक प्लेट पर इसे सर्व भी कर दिया है। अगर आप लोगों को हमारी ये बिरयानी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बनाकर भी देखिएगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।